धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सासंग जी, इंसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सासंग जी, आपको पता ही होगा कि पूज्य पिताजी पर बड़ी साजिशों के चलते कई तरह के केसेस माननीय अदालतों में चल रहे हैं। यह बात तो आप सब जानते होंगे। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई अच्छे कार्यों में आगे आया हो और उसे बेबुनियाद आरोपों का सामना ना करना पड़ा हो। बाकी देखा जाए तो पूज्य पिताजी ने डेरा सच्चा सौदा को इतना आगे बढ़ाया है कि साध संगत की गिनती करोड़ों में हो गई है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया था, बताया जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत 6.5 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। तो सासंग जी, जब इतनी बड़ी गिनती में लोग डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़कर अपनी बुराइयां छोड़ेंगे, तो नशा माफिया या और बुराई करने वाले लोग पूज्य गुरु जी को अच्छा क्यों कहेंगे, यह बात आप सब जानते हैं। तो सासंग जी, आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान पूज्य गुरु जी से एक सवाल किया गया था कि आप पर जो भी केसेस चल रहे हैं तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो सासंग जी, पूज्य पिताजी ने चल रहे केसों की असलियत बताते हुए बड़ा ही अच्छा जवाब दिया था और बताया था कि यह क्यों चले हैं और बताया था कि इन केसों की शुरुआत कैसे हुई है। तो सासंग जी, आप यह वीडियो सुने। हमारे ऊपर जो चीजें की गई तो इसकी धमकियां हमें 1990 से शुरू हो गई थी लगभग आनी, और 94 में तो हमारे पास लेटर आने शुरू हुए कि गुरुजी आप लोगों का नशा छुड़वा रहे हो, आप लोगों को एकजुट कर रहे हो, सभी धर्मों को एक साथ चला रहे हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यूपी में हमारे पास एक लेटर आया था, पोस्टर बना के भेजा गया जिसमें नग्न तस्वीरें थी और उनके ऊपर सिर हमारा लगाया गया काट के, और ये बोला गया कि गुरुजी अगर आज आपने सत्संग में कल को अगर नशे के बारे में कुछ बोला या सभी धर्मों को जोड़ने के बारे में एकता के बारे में कुछ बोला तो हम ये सारे पोस्टर हर जगह लगा देंगे और आपको बदनाम करेंगे। कौन लोग थे ये लोग ये पता नहीं चला, क्योंकि वो लेटर के नीचे गुमनाम बस एक माफिया ऐसा कुछ वर्ड था, तो हमने उस लेटर को फाड़ दिया और अगले दिन सत्संग में नशे पे और धर्म की एकता पे बात की। तो सासंग जी, आपने खुद पूज्य गुरु जी से सुना है कि कितनी बड़ी साजिशें होती रही हैं और कितना समय पहले से ही ये साजिशें हो रही हैं, लेकिन नशा माफिया या और बुराई करने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही कभी होंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी लगातार अपने मानवता भलाई के कार्य करते हुए लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। तो सासंग जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।